जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अपने व्लॉग चैनल की पूरी अर्निंग दिखाने वाला हूं। मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी, अभी मैं अपने व्लॉग चैनल से कितना कमा रहा हूं, आप अपने व्लॉग चैनल से कितना कमा सकते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़, आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लीजिए। मैं आपको कहीं भी किसी भी तरह से घुमाऊँगा नहीं। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल में ही दिखा देता हूँ। क्रिएटर स्टूडियो ऐप ये मेरा ओपन हो रहा है। ये मैंने ओपन कर लिया अपना क्रिएटर स्टूडियो ऐप, और लास्ट 28 डेज़ की अर्निंग आप इसमें देख सकते हैं, $6.48 हुई है। क्योंकि आजकल मैं व्लॉग्स डाल नहीं रहा हूँ तो अर्निंग इतनी ही है, कम है। और ये मेरा व्लॉग चैनल कब मोनेटाइज हुआ, तो अभी जो नवरात्रि बीती है लास्ट, पिछली 2021 वाली, तब जैसे ही दुर्गा माता आने वाली थी, बैठने वाली थी, उसके मतलब उनके कुछ दिन 10 दिन पहले ही चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ था, उन्हीं के मंथ में, है ना। दुर्गा माता जब बैठी थी उनके हल्का सा कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ था। चलिए व्यू मोर पे मैं क्लिक करता हूँ और आप सारी चीज़ें ये देखिए सब्सक्राइबर्स भी डेली थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। और अब आता हूँ मैं अपनी एस्टिमेटेड रेवेन्यू पे। तो इस पर देखिए लास्ट 28 डेज़ में आपको कितना दिखा रहा है, $6.48। और मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी 200 कुछ डॉलर्स के ऊपर आई थी, वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगा। तो अप्रैल से डेटा इसमें दिखा रहा है, मेरे को याद नहीं कब से चैनल मोनेटाइज है, तो मैं आपको तब से ही दिखा देता हूँ। देखिए अप्रैल में मेरी अर्निंग थी 0, है ना। मई 2021 में भी मेरी अर्निंग थी 0। उसके बाद और ऊपर चलते हैं जून में, तो जून 2021 में भी मेरी अर्निंग थी 0। जुलाई में अगर देखा जाए तो जुलाई में भी 0 थी। ओहो, अगस्त में अगर देखें तो अगस्त में भी 0 थी अर्निंग। कमाया क्यों कि नहीं कमाया यार। चलिए आगे आता हूँ, सितंबर में, और यहाँ पे शायद मेरा ग्राफ बदलेगा। जी नहीं, सितंबर में भी 0 है। अक्टूबर 21, ओहो ये देखिए अक्टूबर 21 की अर्निंग आप देखिए, $187.72 मैंने अक्टूबर में कमाया था। मतलब शायद याद नहीं है कब नवरात्रि थी, मेरे को याद नहीं है, इतना कमाया था। और देखिए आप पर डे की अर्निंग भी आप देखें, मैंने $13 भी कमाए हैं। ये $13 अगर सबसे टॉप पे जाऊँ तो $15.91 भी एक दिन का अर्निंग है ये। और आप देखिए आज के डेट में इस चैनल पे $1 बनना भी मुश्किल हुआ है। तब वीडियोज़ वायरल गई थी और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो आप भी देखिए इतना ज़्यादा कमा सकते हैं आराम से यूट्यूब से, $3 यहाँ भी, $2, और आज $1 भी नहीं बन रहा। चलिए ये अक्टूबर में इतना बना, इतना नहीं आया था, इससे ज़्यादा आया था। एक बार और बता देता हूँ, नवंबर में देखिए $70। तो यहाँ पे कितना था, 187 प्लस 70, ये इसको पहले कैलकुलेट करूँ मैं, 187 प्लस 70 कहाँ है, कैलकुलेटर। ये मिल गया, इसको कैंसिल करो, 187 प्लस 70, मतलब $257 मेरे को आई थी मेरी फ़र्स्ट पेमेंट। और इसका मैं थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करके बता दूं कि कितना हुआ था, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके सारी चीज़ें अच्छे से। $2 VOLL $2 INR, है ना, 287 था ना, 257 सॉरी, हाँ 257 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 257, तो 19,518 रुपये मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी मेरे व्लॉग चैनल से, ठीक है। अब आजकल अभी कितना चैनल पे बन रहा है, क्या पोजीशन है चैनल की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नवंबर में 70 था, है ना, और दिसंबर में अगर देख लूँ तो देखिए दिसंबर में घट गया, $35 हो गया, और जनवरी में और कम होगा, जी बिल्कुल $9, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा हूँ। और फरवरी में अगर देखा जाए तो 6.03, अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च में $4 बना है। मतलब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई थी, $257, अगर इसको देखा जाए तो 19,518 रुपये आई थी। तो आपको व्लॉग चैनल से इतनी अर्निंग हो सकती है। अगर वीडियो वायरल जाएगी तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, अगर वायरल नहीं जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किलात हो जाती हैं। मैं वो वीडियो भी शूट करूँगा कि कितने व्यूज़ पे YouTube आपको व्लॉग चैनल में कितने डॉलर्स देता है। लेकिन एक आइडिया के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो फिर भी व्लॉग चैनल का कम से कम 4,000-3,000 कभी कभी मान सकते हैं, नहीं तो 4,000-5,000 व्यूज़ पे $1 मिलता है आपको व्लॉग चैनल के लिए।
अगर आप मतलब आपका फेमस फेस है, आप व्लॉग बनाएंगे, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपको कोई नहीं जानता है, शुरुआत से ही आप व्लॉग चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा आपके साथ मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं। और व्लॉग भी दो तीन तरह के होते हैं ना। पहला, जैसे अगर आप अपने घर में ही बैठ के बना रहे हैं व्लॉग्स, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, कोई भी खर्च नहीं होगा, आप ना कहीं बाहर जाएंगे, ना पेट्रोल लगेगा आपका, ना कुछ। लेकिन अगर आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि उसमें आपका समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा, पूरी मेहनत लगाओगे और पूरा समय लगाओगे, और वैसे में एक व्लॉग चैनल को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ठीक है, आप समझदार हैं, जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं, मेरी बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हुए हैं, प्लीज़ यार आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, लाइक करके जाया कीजिए। मैंने अपनी अर्निंग आपको दिखाया हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये वीडियो उतनी ही आगे लोगों तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक व्लॉग चैनल से अब वो कितना अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। श्री सीताराम। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है ना, और इतने सारे पक्षी यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए आवाज़ आ रही है, मज़ा आता है सुबह व्लॉग बना मतलब वीडियो बनाने। असल में ये चैनल ना व्लॉग चैनल भी है, यूट्यूब रिलेटेड बातें भी करता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं कर देता हूँ, मैंने कुछ भी चीज़ इसमें फिक्स नहीं रखा हूँ। और ये मैं बताऊँ आपको कैसे शूट कर रहा हूँ वीडियो, देखिए ना कितने सारे पक्षी बोल रहे हैं यार। वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे मैंने फंसाया था अपना ट्राईपॉड ऐसे बीच में है ना, फेसिंग मेरी तरफ, और खड़ा कैसे हूँ, एक जूता ये है, दूसरा जूता ये, ऐसे खड़ा हूँ, पैर इधर एक करके एक उधर करके। कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है यार, सुबह सुबह अच्छा लगता है यार। अभी तकरीबन 6:30 हो रहा होगा सुबह का। बस ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दिया कि कैसे कैसे शूट कर। देखिए यहाँ कितने सारे पेड़ लगे हैं, देखिए ये है वो है चारों सब तरफ, ये इस तरफ भी, ये देखिए है ना, पूरा बैक में आपको पेड़ ही पेड़ देख रहे हैं। तो जब मैं यहाँ आया था ना, तो मैं यही जुगाड़ लगा रहा था कि किस पेड़ में मैं लगा सकता हूँ। जैसे इसको तो बीच में ही मिल गया, नहीं तो कोई जैसे ये ब्रांच निकली है ये वाली, ये डिगाल, इसको हम लोग डिगाल ही बोलते हैं, तो इसमें डिगाल में भी इस ट्राईपॉड को लगा के मैं बात कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक लेकिन अच्छा लगे आपको। देखें, मिलो श्री सीताराम।